नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ब्राउजर के बारे में बताऊंगा फ्रेंड कि अगर आपके पास एमआई का मोबाइल है फ्रेंड्स तो ये प्रॉब्लम आपके मोबाइल में आता ही होगा फ्रेंड्स, जो कि मैं आज बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स डिफॉल्ट ब्राउजर। एक्चुअली में होता क्या है फ्रेंड्स कि जितने भी एमआई का मोबाइल होता है फ्रेंड उसमें खुद ब खुद सेटिंग किया हुआ रहता है एमआई का खुद का एक ब्राउजर। उससे क्या होता है फ्रेंड कि बहुत सारे उसमें ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि वर्क नहीं करता है। अब आप चाहते हैं कि आप गूगल क्रोम का ब्राउजर में डिफॉल्ट ब्राउजर में यूज करना चाहते हैं फ्रेंड, तो आप बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल के सेटिंग में कर सकते हैं कि इसको किस तरह यूज कर सकते हैं। सेटिंग से ही आप अपने डिफॉल्ट ब्राउजर को गूगल क्रोम ब्राउजर में सेट कर आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं फ्रेंड। तो आप सोचते होंगे फ्रेंड कि एक्चुअली में ये डिफॉल्ट ब्राउजर है क्या, तो मैं आपको पहले सबसे पहले मैं कर आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअली में डिफॉल्ट ब्राउजर होता है क्या, इसको किस तरह अगर आप यूज करते हैं तो किस तरह ये डिफॉल्ट ब्राउजर में सर्च करता है। तो आज चलिए मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरह आप ये डिफॉल्ट ब्राउजर को चेक कर सकते हैं, किस तरह आपको डिफॉल्ट ब्राउजर में अगर एमआई का फ़ोन यूज कर रहे हैं तो किस तरह आपको डिफॉल्ट ब्राउजर में ये खुलता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ ये जो नीचे रेड कलर का लिखा होता है फ्रेंड सब्सक्राइब, आप उसको दबा देंगे तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा फ्रेंड। उसके पास में फ्रेंड्स बेल आइकन घंटी होता है फ्रेंड, आप उसको भी दबा दें। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड। एंड ये सेटिंग आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक बटन जरूर दबाएं फ्रेंड और कमेंट बॉक्स में लिखें फ्रेंड्स कि आपका एमआई का फोन में डिफॉल्ट ब्राउजर एक्टिवेट था या नहीं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि एक्चुअली में डिफॉल्ट ब्राउजर खुलता कैसे है। तो देखिए मैं मानकर चले मैं कोई भी लिंक को मैं खोलना चाहता हूं, तो देखिए यहां पे जैसे ही लिंक करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स एमआई का इधर एक ब्राउजर आ गया फ्रेंड, जो कि ये ठीक तरह से बहुत सारे ऐसे फीचर है इसमें नहीं खुलता है और ठीक तरह से वर्क भी नहीं करता है। तो देखिए मैं ये लिंक को खोलना चाह रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे एमआई का ब्राउजर खुल रहा है फ्रेंड। तो देखिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये खुलेगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखें ठीक तरह से ये काम भी ढंग से नहीं करता है फ्रेंड। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को डिफॉल्ट ब्राउजर में जो कि एमआई का होता है फ्रेंड उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब सेटिंग में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप अपने एमआई ब्राउजर को हटा करके क्रोम ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें थोड़ा सा नीचे चले फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे चलने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें इंस्टॉल ऐप, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें फ्रेंड्स। इस करने के बाद फ्रेंड्स आप देखें ऊपर जो थ्री डॉट है फ्रेंड्स इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉल्ट ऐप, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं डिफॉल्ट ऐप पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफॉल्ट ऐप पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको ब्राउजर को चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे ब्राउजर है, ब्राउजर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दे फ्रेंड। ब्राउजर पे सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें एमआई का ब्राउजर है, जो देखें यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ एमआई का ब्राउजर। अब मेरे को आपको करना है फ्रेंड कि क्रोम ब्राउजर को आपको सर्च में जो भी कुछ भी सर्च करें लिंक में रहे कुछ भी सर्च करें तो डायरेक्ट ही वो क्रोम ब्राउजर में सर्च हो, तो सीधे आप यहाँ पे आप क्लिक कर दे फ्रेंड, ये मेरा क्रोम ब्राउजर में हो गया। अब मैं कुछ भी सर्च करूँगा फ्रेंड तो सीधे डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर से ही सर्च होगा फ्रेंड्स, आपको ये एमआई का ब्राउजर से अलग से नहीं होगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपका क्रोम ब्राउजर में सेट होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपका एमआई का ये फोन यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, एमआई का कोई भी फोन यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपना डिफॉल्ट ब्राउजर को चेंज करके क्रोम ब्राउजर में बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में जितने भी एमआई का फोन होता है फ्रेंड ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स ये सिलेक्ट किया हुआ रहता है। अगर आपको ये चेंज करना है फ्रेंड तो इस तरह सेटिंग में जाकर बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये सेटिंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें फ्रेंड एंड वीडियो को लाइक तो जरूर करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए वाह दोस्तों।